2019 के लोकसभा चुनावों के लिए यूपी सरकार खूब काम कर रही है कि आखिर वहां पर लोकसभा की 80 सीटें भी तो जीतनी है। इसी के लिए योगी सरकार कई मुद्दों पर काम कर रही है और अब सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। उत्तर प्रदेश में जब कई अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े तो इतनी संपत्ति मिली कि प्रदेश की जनता के होश उड़ गए। अब इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने टास्क का गठन किया है, जिसमें मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है। इतना ही नहीं, इस टास्क में यूपी के सभी जांच एजेंसियों के प्रमुख को इसमें शामिल किया गया है और कहा है कि अगर भ्रष्टाचार से संबंधित जुड़ी हुई कोई शिकायत मिलती है तो 2 महीने के अंदर इसके लिए कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए योगी सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन देखना होगा कि यह टास्क फोर्स कितना अच्छा काम करती है और यूपी में कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।